हेलो एवरीवन, सो हमारा अगला सवाल एटॉमिक स्ट्रक्चर पे क्या बोल रहा है, लेट्स सी। कैलकुलेट द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दैट मस्ट बी अप्लाइड टू अ प्रोटॉन बीम टू गिव एन इफेक्टिव वेवलेंथ ऑफ 0.005 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है हमको, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल मतलब कैपिटल वी की वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। जैसे हमने एक और सवाल किया है ऐसे, तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कैपिटल वी की वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है और उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी दिया हुआ है हमको 0.05 × 10⁻¹⁹. तो नैनोमीटर इज 10⁻¹⁹, राइट। तो अब हमको कैसे फाइंड करना है इसमें। सबसे पहले तो हमको पता है कि एच सी लैमडा इज एच बाय एम वी, तो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी एच बाय एम लैमडा। ओके, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई वी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर विच इज़ आर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्यू इंटू वी भी होता है। क्यू इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ई, एंड कैपिटल वी जो हमारा पोटेंशियल जो हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से हाउ कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो बहुत ही सिंपल है। कैपिटल वी क्या हो जाएगा हमारा, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन ई। ठीक है, और वी की वैल्यू इधर से हम क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे एच बाय एम लैम्डा लिखेंगे बिकॉज हमें वी तो पता ही नहीं है। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ एंड आई विल राइट एच स्क्वायर बाय एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है, दिस इज़ वेरी सिंपल। बस जस्ट मैंने इसके वैल्यूज डाला, स्मॉल वी की जगह मैंने एच बाय एम लैमडा लिख दिया, तो आई गेट माई कैपिटल वी मतलब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज हाफ इंटू एम एच स्क्वायर एम स्क्वायर बाय लैमडा स्क्वायर। दिस इज लैमडा एंड दिस इज एच। ओके, तो अब यहाँ से ये आप कैंसिलेशन कर लीजिए। सो नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एच मतलब प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू हम बता लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाय 2m lambda square into e। ठीक है, तो इस इधर यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे, h की वैल्यू आपको पता है कि 6.6 × 10⁻¹⁴ डालनी है। लैमडा की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी है 0.005, ये नैनोमीटर में है, तो मैं इंटू 10⁻¹⁹ इधर पे मल्टीप्लाई करूँगा। एंड इलेक्ट्रॉन एन ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ 1.6 × 10⁻¹⁹। सो ये सब वैल्यूज़ आप यहाँ पे डालेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। और यहाँ मास क्या डालेंगे आप, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻¹⁹। तो ये सब वैल्यूज़ आप जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी गेट द आंसर एज वी इज इक्वल्स टू 32.85 वोल्ट। ओके, थैंक यू।